योग और प्राणायाम का लगभग अभ्यास सभी लोग जान चुके हैं और इसको प्रतिदिन अभ्यास में इसे बदलना होगा और प्रातः एक घंटा सबको योग का अभ्यास करना होगा। और जो व्यक्ति योग नहीं करेगा वह निश्चित रूप से आने वाले समय में बीमार पड़ेगा, उसको लीवर कैंसर से लेकर के किडनी से लेकर के हाई ब्लड प्रेशर से लेकर के लकवा कैंसर से लेकर के छोटी छोटी बीमारियों और बड़ी बीमारियों से परेशान होगा। इसलिए सबको योग करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योग। योग एक बहुत व्यापक शब्द है, विराट शब्द है। योग का मुख्य अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। और जैसे भगवान कृष्ण कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, यानी कोई भी कार्य यदि कुशलतापूर्वक करते हैं वह योग है। जैसे खेती करते हैं कुशलतापूर्वक विधिपूर्वक तो योग है आपका, झाड़ू लगा रहे बढ़िया से तो योग हो रहा है, आप भोजन कर रहे बढ़िया से तो योग हो रहा है। यानी हर जीवन के हर कार्य को यदि कुशलतापूर्वक किया जाए तो आप योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। ऐसा ना कि झाड़ू लगाएं और गाली दें कि सब हमरे जी में काम छोड़ के चल गया, हम अकेले कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं लेकिन अनसा के करते हैं, नहीं सोचते कि सब बैठा मानसा हमरे के सब काम दे ले मानसा। माने आप काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पुण्य भी करने जा रहे थे, लेकिन मन यदि गबड़ा गया आपका तो वह पुण्य पाप में बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग कोई भी काम करेंगे तो कुशलतापूर्वक करेंगे, ईमानदारी पूर्वक करेंगे, या नहीं करने की इच्छा हो तो पहले ही मना कर दीजिए कि मैं नहीं करने लायक हूँ, मैं नहीं करूँगा। नहीं तो काम भी करते हैं और अंदर अंदर गुस्साते हैं, क्रोधित होते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। यानी देखने में लग रहा है कि आप पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तेल मालिश कर रहे हैं, भीतरे भीतरे गरिया रहे हैं आप, तो देखने में तो पुण्य हो रहा है लेकिन कर्म आपका पाप में बदल जा रहा है। इसलिए जब भी कोई काम करें उसमें 100% निष्ठा हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, तब जा करके आपका जीवन सफल हो सकता है, आपका जीवन पूर्णता की तरफ बढ़ सकता है।